प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक विषयों में प्रायः कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं, और वह केवल परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि आने वाले भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी होते हैं, इंसान के संरक्षण के लिए भी आवश्यक हैं। जैसे जैव विविधता, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, या विज्ञान का विषय हो, कॉमर्स का विषय हो, मानविकी वर्ग का विषय हो, सभी में प्रायः पूछ लिया जाता है। इसे हर इंसान को जानना चाहिए, तभी जाकर के हम संरक्षित रह सकते हैं, हम बच सकते हैं। जीवन की परीक्षा महज इतनी ही नहीं है कि हम अपना पेट पाल लें, रोजी रोजगार कर लें, बच्चों की देखभाल कर लें, बल्कि इस सृष्टि में जो विनाश हो रहा है उसको भी रोकें। हम एक दूसरे के पूरक हैं। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें हमें संरक्षित करना चाहिए। करीब 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय में पृथ्वी पर जीवों में बहुत अधिक विविधीकरण हुआ। विविधीकरण का अभिप्राय केवल एक जीव नहीं, असंख्य, जिनकी संख्या अभी गिनी नहीं जा सकी वैज्ञानिकों की दृष्टि से। हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति में 84 लाख योनियों की बात की जाती है, यहां पर हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक किन बातों को मान्यता देते हैं। जैव विविधता जैविक संगठन के सभी स्तर में उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें आनुवंशिक, जातीय और पारितंत्र विविधता अधिक महत्वपूर्ण है। सभी के संरक्षण के प्रयास सभी स्तर पर विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। संसार में 15 लाख से अधिक जातियों के साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर करीब 60 लाख जातियां खोज और नामकरण के इंतजार में हैं, जिन्हें न तो खोजा जा चुका है और न ही उनका नामकरण हो सका है। 15 लाख ही ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं। जिन जातियों को नाम दिए जा चुके हैं उनमें 70% से, फिर से आप सुन लें, उनमें 70% से अधिक जंतु हैं और इनमें भी लगभग 70% कीट हैं। इनमें कवकों की संख्या सभी कशेरुक प्राणियों की तुलना में अधिक है। भारत करीब 45,000 पादप जातियों, इससे दोगुनी जंतु जातियों के साथ विश्व के 12 महाविविधता वाले देशों में एक है। सामान्य सी बात आप समझ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो दृष्टि है उसके अपेक्षाकृत अधिक यहां पर जैविक विविधता पाई जाती है। यह भारतीयों के लिए सौभाग्य की बात है, भारत के लिए सौभाग्य की बात है। पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है बल्कि एक रोचक प्रतिरूप दर्शाती है। किस प्रकार का? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक और ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जातीय समृद्धि की महत्वपूर्ण कारण, उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में विकास के लिए समय अधिक मिला, इन्हें पर्यावरण संबंधी स्थिरता मिली, इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई, इससे अधिक उत्पादकता होती है। पहली बात, सूर्य को भी ऊर्जा का स्रोत बताया गया प्रमुख रूप से, और जहां पर प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वहां पर जीवन अधिक है। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। जाति क्षेत्र संबंध सामान्यतः एक आयतकार अति परवलयिक कार्य है। ऐसा माना जाता है कि उच्च विविधता वाले समुदाय कम परिवर्तनशील, अधिक उत्पादक और जैविक आक्रमण के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। पृथ्वी का जीवाश्म इतिहास, जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स, प्राचीन समय के व्यापक विलोपन को दर्शाता है। विलोपन का अभिप्राय कि लोग आए और उनका अंत होता गया, लेकिन वर्तमान विलोपन की दर प्राचीन दर से 100 से 1000 गुना अधिक है, जो कि मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों की देन है।
वर्तमान समय में करीब 700 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, अर्थात समाप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, और 15,500 से अधिक, जिनमें 650 से अधिक भारत से ही हैं, जातियां वर्तमान समय में विलोपन के संकट का सामना कर रही हैं, वे भी समाप्ति कगार पर हैं। आजकल अधिक विलोपन दर के कारण उसका वजह क्या है? आवासी, हम घर बनाते हैं रहने के लिए, घर क्यों बनाते हैं? लगातार हमारी आबादी बढ़ रही है, जब आवास बनाएंगे स्वाभाविक है कि उसके आसपास जो भी जैविक गतिविधियां हैं उस पर असर पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, कीट पतंगों को नुकसान पहुंचेगा ही, क्षति होती है, एवं खंडन, अतिदोहन, आबादी बढ़ेगी, हम उसकी सुविधाओं के लिए केवल नियंत्रित दोहन नहीं अत्यधिक दोहन करेंगे, जैविक आक्रमण, इंसान जो समझता है कि वह हमारे लिए फायदेमंद है, इस कारण से अन्य जीवों पर वह आक्रमण करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जबकि ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और सहविलोपन, विलोपन की बात आप समझते हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं विशेषकर इंसान की, उस गतिविधियों की वजह से इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वास्तव में वे कष्ट में हैं, इस कारण से उनका अंत होता जा रहा है, समाप्त होते जा रहे हैं, और यही अंत और उनका समापन की वजह अंततः इंसान के विलोपन का कारण बन सकेगा, बनेगा, इसलिए इंसान को अभिचेत जानना चाहिए। पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता मानव जीवन के लिए प्राणाधार है। हमने कहा यह कीट पतंग, यह विविध प्रकार के जीव हैं, तभी इंसान है, अगर ये नहीं है, प्राणाधार, प्राण के आधार हैं, अगर ये नहीं है तो इंसान का भी प्राण सुरक्षित नहीं है। जैव विविधता को संरक्षित करने के मुख्य कारण संकीर्ण रूप से उपयोग, व्यापक रूप से उपयोग और नैतिक है। पारितंत्र से हमें प्रत्यक्ष लाभ जैसे भोजन, रेशा, ईंधन, लकड़ी और औषधि के अलावा बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे परागण, पीड़क नियंत्रण, जलवायु, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि, यह सब चीजें हमें जैव विविधता के कारण ही प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की जैव विविधता की अच्छी तरह देखभाल करना, उसको अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थान है अर्थात इन सीटू, बाह्य स्थान है अर्थात एक्स सीटू होता है। स्वस्थान में संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि सारा पारितंत्र सुरक्षित रह सके,